This video we will learn about composite and mixed supply. इस वीडियो में हम देखेंगे composite और mixed supply क्या है, जो कि section 8 के अंतर्गत आती है of CGST Act 2017. तो यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे what is a supply, ये supply क्या होती है, हम ये समझेंगे यहाँ पे. तो सप्लाई की जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 7(1)(a) में ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017. ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो यहाँ पे जो कि डेफिनेशन बोल रही है वो क्या बोल रही है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज जो है उसकी सप्लाई, या तो गुड्स की सप्लाई या फिर सर्विसेज या फिर दोनों की साथ में कॉम्बिनेशन बना के भी अगर सप्लाई हो रही है, सेल हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पे बार्टर का मतलब देखना पड़ेगा. बार्टर का मतलब हुआ एक्सचेंज और अदर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी. हम मनी को यूज़ में नहीं ले रहे और हम जो चीज़ें गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं उसके बदले हमें भी गुड्स और सर्विसेज ही मिल रहे हैं, मनी का आदान प्रदान नहीं हो रहा है यहाँ पे. एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर ए कंसीडरेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे. यहाँ पे कंसीडरेशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ऑपरेशंस में या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने में कंसिडरेशन दिया जा रहा है इन गुड्स और सर्विसेज के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको अपन क्या मानते हैं, सप्लाई मानते हैं. अब हम देखेंगे व्हाट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई. ये जो कॉम्पोजिट सप्लाई है ये क्या होती है, इज सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू ए रिसिपियंट consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both or any combination thereof which are naturally bundled supply in conjunction with each other in the ordinary course of business one of which is a principal supply. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि supply made by taxable person, एक जो person जो माल goods और services दे रहा है वो क्या है, taxable person है, to a recipient, किसी recipient को, consisting of two or more taxable supply, यहाँ पे जो supply है वो भी क्या होनी चाहिए, टैक्सेबल ही होनी चाहिए. टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई दे रहा है और एक कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बिनेशन बना के भी दे सकता है जो कि नेचुरली बंडल्ड हो. यहाँ पे हम आगे नेचुरली बंडल्ड का मतलब समझेंगे. एंड सप्लाइड इन कंजक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसका जो कोर्स ऑफ बिजनेस है वो अपने बिजनेस में इन गुड्स और सर्विसेज को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है. इन दोनों में से गुड्स और सर्विसेज में एक जो सप्लाई होगी प्रिंसिपल सप्लाई, वन ऑफ विच इज़ अ प्रिंसिपल सप्लाई, इन दोनों में से एक जो सप्लाई है वो प्रिंसिपल है यानी मुख्य सप्लाई माना जाएगा कि मेन सप्लाई तो यही है. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल वन समझते हैं. वेयर गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इंश्योरेंस द सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ प्रिंसिपल सप्लाई. तो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ. एंसिलरी सप्लाई क्या हुआ, इंश्योरेंस, गुड्स का इंश्योरेंस करके ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं. तो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई तो क्या हुआ, गुड्स का हुआ. अगर आपने इंश्योरेंस कराया है, ट्रांसपोर्टेशन कराया है, तो वो सारी एंसिलरी सर्विसेज है. तो यहाँ पे कॉम्पोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई की टैक्स रेट होगी वही टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी. यहाँ पे इन गुड्स की पे 18% जीएसटी लगता है, इंश्योरेंस पे 12% जीएसटी लगता है. तो प्रिंसिपल सप्लाई पे जो इंश्योरेंस की रेट, ये टैक्स की रेट होगी वही क्या होगी, एप्लीकेबल होगी. अब हम यहाँ पे समझते हैं व्हाट आर बंडल्ड सर्विसेज, ये बंडल्ड सर्विसेज क्या है, यानी बंडल्ड सप्लाई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज. एक तरह का कॉम्बिनेशन है गुड्स का
या फिर सर्विसेज का। दिस कंसेप्ट वॉज मेनली फाउंड इन सर्विसेज, इन सर्विस टैक्स। ये जो बंडल सर्विसेज है, क्योंकि यहाँ पे नाम ही क्या है, बंडल सर्विसेज है, तो ये मोस्टली सर्विसेज में फाउंड होती है। वेयर ए बंडल सर्विसेज मेंट ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सप्लाई सर्विसेज। हम एक सर्विस दे रहे हैं और उसके साथ ही एक और सर्विसेज है, एक प्रॉपर बंडल बना के दिया गया है गुड्स और सर्विसेज के कॉम्बिनेशन का, तो उसे बंडल्ड सर्विस माना जाएगा। अब इसमें भी बंडल्ड सर्विसेज में नेचुरली बंडल्ड क्या होता है वो देखते हैं हम। इफ बायर मोस्टली एक्सेप्ट सच सर्विस टू एज प्रोवाइडर एज अ पैकेज, देन द पैकेज विल बी ट्रीटेड एज नेचुरली बंडल। बायर जो है, जो खरीदार है माल का, वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है कि ये अगर मैं एक पर्टिकुलर सर्विस ले रहा हूँ या फिर कोई पर्टिकुलर गुड्स ले रहा हूँ, तो मुझे उस सर्विस या उस गुड्स के साथ ये एंसिलरी सर्विस मिलेगी ही मिलेगी। यानी एक के साथ एक फ्री, यानी एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि अगर मैं ये पर्टिकुलर गुड्स खरीदूंगा तो मुझे सर्विसेज मिलेगी ही मिलेगी, तो उसको बोलेंगे नेचुरली बंडल्ड। अब नॉट नेचुरली बंडल्ड क्या हुआ? If buyer does not accept the services to be provided as a package, जो goods या services provide की जा रही है वही main जो है वही क्या है principal supply है, उसके साथ कोई ancillary service provide नहीं की जा रही, तो वो होगा not naturally bundled। अब हम देखते हैं how to determine if it is a naturally bundled, that is it cannot be separated। हम देखेंगे कि हमें ये कैसे पता पड़ेगा कि ये नेचुरली बंडल्ड है या नहीं है। ये जो गुड्स और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन बना के जो हमें मिला है, ये नेचुरली बंडल्ड है या नहीं है, तो इसमें कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट जो है वो है, इफ बायर्स मोस्टली एक्सेप्ट सर्विसेज टू प्रोवाइडर्स पैकेज। बायर को ये लगना चाहिए कि हमें इन गुड्स और सर्विसेज के साथ जो एंसिलरी सर्विस मिलेगी, यानी एसोसिएटेड सर्विसेज मिलेगी, इसके साथ जो सर्विसेज मिलेगी वो एडिशनल सर्विसेज है और ये तो मिलनी ही चाहिए। इफ बायर मोस्टली एक्सेप्ट सच सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड एज अ पैकेज, यानी बायर को लगता है कि इन गुड्स को खरीदा है तो ये सर्विस तो मिलेगी ही मिलेगी, तो पहली कंडीशन तो ये हुई। कंडीशन सेकेंड क्या है? इफ मोस्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर इन द इंडस्ट्री प्रोवाइड्स अ पैकेज ऑफ सर्विस, देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ नेचुरली बंडल। इफ देयर इज अ मेन सर्विस एंड द अदर आर एंसिलरी सर्विस, देन इट बिकम ए बंडल्ड सर्विस। तो यहाँ पे यह है कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं इन द इंडस्ट्री प्रोवाइड्स अ पैकेज ऑफ सर्विस, वो पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज का, पैकेज ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ नेचुरली बंडल। मोस्टली जब सर्विस प्रोवाइडर है इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते ही करते हैं, जहाँ पे एक सर्विस तो होती है प्रिंसिपल सर्विस और उसके साथ जो दूसरी सर्विस होती है वो होती है एंसिलरी सर्विस, देन इट इज़ नोन एज बंडल्ड सर्विस। तो ये दो कंडीशन है, कैसे हम डिटरमाइन करें कि ये नेचुरली बंडल्ड है या नहीं। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे, लैपटॉप एंड लैपटॉप बैग। हमारे पास एक लैपटॉप है जिस पे 18% जीएसटी की रेट है और हमारे पास एक लैपटॉप बैग है जिस पे 12% जीएसटी की रेट है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो लैपटॉप ही है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो लैपटॉप ही है, और एंसिलरी सप्लाई में क्या माना जाएगा, ये लैपटॉप बैग जो है एंसिलरी सप्लाई में माना जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो 18% लगेगी, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है, ये कि ये जो है नेचुरली बंडल्ड है। इनको आप अलग से सेल आउट नहीं कर सकते, लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग जाएगा ही जाएगा, इसको आप अलग से सप्लाई नहीं कर सकते, ये एक नेचुरली बंडल्ड चीज़ है। तो इनकेस ऑफ कंपोजिशन सप्लाई में ये कंपोजिशन सप्लाई हुआ क्योंकि ये नेचुरली बंडल्ड है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल सप्लाई की टैक्स रेट जो होगी वही टैक्स रेट मानी जाएगी, तो यहाँ पे लैपटॉप की जो 18% है वो हम मानेंगे कि ये इतना टैक्स लगेगा।
अगले एग्जांपल में समझते हैं. मोस्ट बिजनेसेस परमिशन लुक फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ होटल एकोमोडेशन ऑडिटोरियम एंड फूड. यहाँ पे हमारे पास है होटल, उसके साथ है ऑडिटोरियम और उसके साथ है फूड. अब यहाँ पे हम देखते हैं होटल्स के एकोमोडेशन पे 18% जीएसटी रेट है, ऑडिटोरियम पे 12% जीएसटी रेट है, फूड पे 12% जीएसटी रेट है. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है. तो इस इन सब में प्रिंसिपल जो सप्लाई है वो है होटल एकोमोडेशन. ये जो होटल एकोमोडेशन है प्रिंसिपल सप्लाई है, ऑडिटोरियम एंसिलरी सप्लाई है और फूड जो है एंसिलरी सप्लाई है. तो क्योंकि ये एक नेचुरली बंडल्ड है, ये एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाएगा इसे. और कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में जो प्रिंसिपल सर्विस प्रिंसिपल सप्लाई होती है उस पर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है वही टैक्स रेट मानी जाएगी. तो यहाँ पे जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो होगी 18%. यहाँ पे 18% टैक्स रेट लगाई जाएगी क्योंकि ये प्रिंसिपल सप्लाई है, ये कॉम्पोजिट सप्लाई है. अब यहाँ पे हम समझते हैं मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है. जिस तरीके से हमने कॉम्पोजिट सप्लाई को समझा कि प्रॉपर कॉम्बिनेशन है जिसमें नेचुरली बंडल्ड चीज़ें होती है जिसको आप अलग से सेपरेटली सेल आउट नहीं कर सकते, नेचुरल बंडल्ड होता है कि इस गुड्स के साथ ये सर्विसेज जाएगी ही जाएगी, तो उसे बोलेंगे कॉम्पोजिट सप्लाई. अब कॉम्पोजिट सप्लाई अगर उसे बोलते हैं तो मिक्स्ड सप्लाई किसे बोला जाएगा, तो विच आर नॉट नेचुरली बंडल्ड. कुछ ऐसी सर्विसेज है जो कि नेचुरली बंडल्ड नहीं है, जिनका प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं बनता, उन गुड्स और सर्विसेज को सेपरेटली सेल किया जा सकता है. किसी भी गुड्स के साथ सर्विस दी जा रही है पर उस गुड्स के साथ जो सर्विस दी जा रही है वो इंडिपेंडेंटली भी सेल होती है और गुड्स जो है इंडिपेंडेंटली भी सेल होता है अलग से. तो यहाँ पे हम देखते हैं इन मिक्स सप्लाई टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद ईच अदर फॉर ए सिंगल प्राइस. गुड्स और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और उसे एक सिंगल प्राइस पे बेचा जाता है. ईच ऑफ दीज आइटम कैन बी सप्लाइड सेपरेटली. ये गुड्स और सर्विसेज जो सप्लाई की जा रही है इनको अलग से सेल किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली, यानी गुड्स को अलग से बेचा जा सकता है, सर्विसेज को अलग से बेचा जा सकता है. इनमें नेचुरल जो है बंडल नहीं है, इनको इंडिपेंडेंटली सेल किया जा सकता है गुड्स और सर्विस को एंड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ये गुड्स और सर्विस एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं इसको. दिवाली गिफ्ट हैम्पर विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम लाइक स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक्स, ड्राई फ्रूट पैक्ड इन वन पैक इज मिक्स सप्लाई. यहाँ पे दिवाली गिफ्ट हैम्पर में जो हमारे पास स्वीट्स होती है, चॉकलेट्स होती है, केक्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं पैक्ड इन वन पैक, जिसको एक पैक में पैक करके बेचा जाता है, उसको एक मिक्स सप्लाई माना जाएगा. एज दीज आइटम कैन बी सोल्ड सेपरेटली. इन तीनों ही आइटम को, स्वीट्स, चॉकलेट, केक्स, ड्राई फ्रूट, इन सब को अलग से सेल आउट किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये मिक्स्ड सप्लाई माना जाएगा. शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम विच अट्रैक्ट हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स. अब यहाँ पे मिक्स्ड सप्लाई के अंदर ये कंसेप्ट है, अगर आपने कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जो कि नेचुरली बंडल्ड नहीं है, तो उस कॉम्बिनेशन में जिस भी गुड्स और सर्विसेज की हाईएस्ट टैक्स रेट होगी वही टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी. यहाँ पे हमारे पास है स्वीट्स, हमारे पास है केक्स, यहाँ पे हमारे पास है ड्राई फ्रूट्स. स्वीट्स पे 18% टैक्स रेट है, ड्राई फ्रूट्स पे 12% है और स्वीट्स और चॉकलेट्स पे भी 12% है. यहाँ पे जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो है 18%. हाईएस्ट टैक्स रेट क्या है, 18% है. अब मिक्स्ड सप्लाई है तो मिक्स सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो कहता है कि जिस अगर गुड्स और सर्विसेज आप सेल कर रहे हो और वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, वो मिक्स्ड सप्लाई है,
तो उसमें गुड्स और सर्विसेज पे जो हाईएस्ट टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी, हाईएस्ट टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी वही जो है टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे 18% जो है टैक्स लगेगा, जीएसटी की रेट जो होगी 18% होगी। हम इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, ए मोबाइल एंड अ कंपनी टी शर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है एक मोबाइल और कंपनी की ही टी शर्ट है जो कि इंडिपेंडेंटली भी सेल की जा सकती है। मोबाइल भी इंडिपेंडेंटली सेल किया जा सकता है, कंपनी की टी शर्ट भी इंडिपेंडेंटली सेल की जा सकती है। कंपनी के मोबाइल पे टैक्स रेट लगेगी 28% और यहाँ पे टी शर्ट पे जो टैक्स रेट लगेगा वो लगेगा 12%। दोनों ही इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, सेल किया जा सकता है एक दूसरे को मार्केट में। तो यहाँ पे हाईएस्ट टैक्स रेट जो होगी वो क्या है, 28% है। तो यहाँ पे जो टैक्स रेट लगेगी वो लगेगी 28% जीएसटी की टैक्स रेट लगेगी, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, क्योंकि ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, इन दोनों को सेपरेटली सेल किया जा सकता है, इसलिए इसको मिक्स्ड सप्लाई माना जाएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल से समझते हैं, कैलकुलेटर विद अ पेन ड्राइव। हमारे पास है पेन ड्राइव, हमारे पास है कैलकुलेटर। पेन ड्राइव की जो टैक्स रेट है वो है 18%, कैलकुलेटर की जो टैक्स रेट है वो है 12%। यहाँ पे हाईएस्ट टैक्स रेट जो है वो क्या है, 18% है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है वो है पेन ड्राइव का और कैलकुलेटर का। यहाँ पे पेन ड्राइव अलग से सेल की जा सकती है और कैलकुलेटर जो है अलग से सेल किया जा सकता है, दोनों पे टैक्स रेट अलग है। अब ये जो सप्लाई है ये एक मिक्स्ड सप्लाई है, ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, इनको अलग से सेपरेटली सेल किया जा सकता है। तो इस केस में ये मिक्स्ड सप्लाई हुआ। मिक्स्ड सप्लाई के केस में जो हाईएस्ट टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो है 18%, तो जीएसटी की टैक्स रेट जो होगी वो होगी 18%, 18% से टैक्स लगाया जाएगा। हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, बाय डिटर्जेंट गेट बकेट फ्री। हमारे पास है डिटर्जेंट पाउडर, हमारे पास है बकेट। डिटर्जेंट पे जो टैक्स रेट है वो है 28% और बकेट पे जो टैक्स रेट है वो है 12%। अब ये दोनों ही जो है सेपरेटली क्या किए जा सकते हैं, सेल किए जा सकते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, नेचुरली बंडल्ड नहीं है, ये एक तरह की मिक्स्ड सप्लाई है। मिक्स्ड सप्लाई के केस में जो हाईएस्ट टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो है 28%। हम देखेंगे कि किस पे हाईएस्ट टैक्स लगेगा, किस गुड्स और सर्विस पे हाईएस्ट टैक्स रेट है। जो भी हाईएस्ट टैक्स रेट होगा वही टैक्स रेट क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। इस केस में 28% हाईएस्ट टैक्स रेट है, तो यही टैक्स रेट क्या बन जाएगी, एप्लीकेबल होगी जीएसटी के लिए। 28% से हमें टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पे हम समरी से समझते हैं कि हमने कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में क्या समझा। कंपोजिट सप्लाई में जो मेन आइटम होता है वो होता है प्रिंसिपल आइटम, और टैक्स रेट जो एप्लीकेबल होती है वो प्रिंसिपल आइटम की टैक्स रेट होती है, क्योंकि वो नेचुरली बंडल्ड होता है। वहीं मिक्स सप्लाई में अगर देखा जाएगा, आइटम विद हाईएस्ट टैक्स रेट जो होगा, जिस पे भी हाईएस्ट टैक्स रेट लगेगी वही टैक्स रेट मानी जाएगी, भले ही वो नेचुरली बंडल नहीं है। यहाँ पे नेचुरल बंडल नहीं है, दोनों ही प्रोडक्ट को इंडिपेंडेंटली सेल किया जा सकता है। आइटम विद हाईएस्ट टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी और हाईएस्ट टैक्स रेट ऑन ऑल द आइटम, सारे आइटम पे जो भी हाईएस्ट टैक्स रेट होगी, क्योंकि नेचुरली बंडल नहीं है, इसमें हाईएस्ट जो भी टैक्स रेट होगी वही एप्लीकेबल होगी मिक्स्ड सप्लाई में। तो इस वीडियो में अपन ने देखा कि कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होती है, बंडल सर्विसेज क्या होती है, नेचुरली बंडल क्या होती है, नॉट नेचुरली बंडल क्या होती है, और हमने इस वीडियो में एग्जांपल से समझा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।